जब जब होई धर्म के हानि, पाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करैया नीति जाई नहीं परली, सीधही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु दरी विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। वह गहू वेद पाठी ब्राह्मणों, पृथ्वी और सज्जन लोगों को ऐसे जघन्य कष्ट देते हैं जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तब वह ईश्वर कृपा के सागर तरह तरह के शरीर धारण कर इन सब के दुख दूर करते हैं। जय श्री कल्कि। मैं मेघना गोयल आज के नए एपिसोड में कल्कि जी मेरे दोस्त जय श्री कल्कि में साधना टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मामा जी जय श्री कल्कि और लक्ष्मीनगर कल्कि बालवाटिका के नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे। जय श्री कल्कि। मेरा नाम मान्या मखीजा है। मैं SLS JV मौसम विहार में 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। जय श्री कल्कि। मेरा नाम शीतल कुमारी है। मैं RSKV लक्ष्मीनगर में 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मामा जी, पिछले एपिसोड में हमने विदेश भेजे दो संस्कारहीन बेटों द्वारा माता की मृत्यु पर बेटों के संवेदनहीन जवाब पर जो लघु नाटिका दिखाई थी, वह देखकर बहुत से दर्शकों के सवाल हमारे पास आए हैं, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने यह पूछा है कि संस्कारहीन होती हुई पीढ़ी के लिए कौन जिम्मेदार है। देखिए, अगर मैं सिर्फ माँ की गलती बताऊँगा तो मेरी सब माता बहनें नाराज हो जाएंगी। इसके लिए जिम्मेदार है हमारी शिक्षा प्रणाली। प्राचीन समय में गुरुकुल की प्रणाली में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सिखाया जाता था, जबकि अंग्रेजी शिक्षा में धन और ऐश्वर्य के बारे में बताया जाता है। खुले में दी जाने वाली गुरुकुल की शिक्षा को सुख सुविधा वाले बंद AC के कमरों में बदल दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ, गुरुकुल बंद होते चले गए। भोली भाली जनता को गिनने में समय नहीं लगा, धर्म मोक्ष खत्म होता चला गया। अब बच्चे धर्म के प्रति उदासीन हो गए। मामा जी, धर्म के प्रति लापरवाही, इसका क्या अर्थ हुआ? बहन, 4 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए कल्कि बाल वाटिका में हम बच्चों की भाषा में खेल खेल में उन्हें समझाते हैं। यह सब बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं जहां उन्हें पैसा कमाने और भोगने की शिक्षा दी जा रही है। कल्कि बाल वाटिका में हम उन्हें धन और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। जैसे रामायण में बताया, प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। दादाजी, हमने बालवाटिका में सीखा है कि अपने माता पिता के सीधे अंगूठे में अपने सिर को लगाना चाहिए। दादाजी, हम प्रतिदिन अपने माता पिता को ऐसे ही प्रणाम करते हैं। सही कह रहे हो बच्चों, अंग्रेजी पढ़े लिखे बच्चों को तो माता पिता ऐसा नहीं कह सकते। सास बताते हैं कि लड़के अपने माता पिता के सीधे पैर के अंगूठे में अपना माथा, जहाँ स्त्रियाँ बिंदियाँ लगाती हैं, छुआए रखें। इस पर माँ जो आशीर्वाद देगी वह होकर रहेगा। हाँ दादाजी, हम कल्कि बालवाटिका में धर्म की यह छोटी छोटी शिक्षा खेल खेल में ही सीख जाते हैं। मामा जी, मैं एक माँ होने के नाते एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारा अपने संतानों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे पहले मैं आपको कल्कि बाल वाटिका की संचालिकाओं द्वारा
किया गया यह प्रयास दिखाना चाहूँगा। अतीत के गौरव को इसलिए याद किया जाता है जिसके प्रकाश में हम अपनी जड़ों को गहराई से देख और समझ सकें और आने वाले बच्चों को सिखा सकें। क्या धर्म के संस्कारों और राष्ट्र की रक्षा के लिए माता पिता सच्चे अर्थों में जागृत हैं? क्या उन्होंने अपने बच्चों को ग्रंथों की व संतों की महत्ता समझाई है? ये आजादी हमें भीख में नहीं मिली है, विदेशियों से अपने देश को मुक्त कराने में भारत माँ के सपूतों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी आत्मा हमसे प्रश्न करती है, क्या इसी दिन के लिए हमने आजादी प्राप्त की थी? क्या आपने अपने घर में जन्मी बेटी को हिंदुत्व के प्रति वफादार रहने की शिक्षा या सतीत्व की बातें समझाई हैं? रुक्मणी और द्रौपदी का पतिव्रत धर्म, अरुंधति का देवत्व, अहिल्या का सतीत्व, मीरा की भक्ति, गार्गी और मैत्रेयी की अनासक्ति, ये सब कल्पना के गुब्बारे नहीं हैं, बल्कि भारतीय इतिहास के वो जीवंत प्रश्न हैं, जिनकी वजह से देश प्रेम और सिद्धांत हमेशा जीवित रहेंगे। क्या आपने अपने घर में जन्मे पुत्रों को यह बताया है कि भारत में नारी का स्थान हमेशा ऊंचा रहा है, यहाँ बिना नारी के कोई भी पवित्र कार्य नहीं होता? यदि नारी शिक्षा और स्वतंत्रता यहाँ ना होती तो कैकेयी राजा दशरथ के साथ युद्ध भूमि में ना जाती, राजा जनक की विद्वानों से भरी सभा में विदुषी गार्गी याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ न करती, रणचंडी वन युद्ध भूमि में सैकड़ों अंग्रेजों के सिर काटकर भारत माता के चरणों में अर्पित करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम कैसे जानते? समय के साथ सारी परिभाषाएं कैसे बदली, क्यों बदली, हमें इसकी जड़ में जाना है। इसलिए हे भारत की पुत्रियों, जागो, समय की मांग है कि हम जागें अपनी भावी संतानों के लिए और अपने भविष्य के लिए। हमें परिचित होना है अपनी देव संस्कृति से, जिससे हम स्वयं अनजान हैं। हमारे पास वो शक्ति, सामर्थ्य एवं प्रतिभा सब कुछ है, बस जरूरत है उसे जागृत करने की, जरूरत है उस मात्र शक्ति की जो व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित के बारे में सोचे। कहाँ है वीर माता जीजाबाई, पन्नाधाई और विद्यावती जैसी माताएं? क्या इन्हें अपनी संतानों से प्रेम नहीं था? ये तो वो माएं हैं जो कहती थी, यदि हमारे और पुत्र होते तो उन्हें भी हम देश और धर्म के लिए अर्पित कर देते। जागिए, धर्म निरपेक्षता की आड़ में हमारे बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। जब देश सबका है तो धर्म निरपेक्षता की उम्मीद केवल हमसे ही क्यों? हमें धर्म निरपेक्षता जैसी चाशनी से लिपटे नारों का अर्थ समझना होगा। यदि नहीं समझे तो हम ईसाई और मुसलमान नहीं रहे तो हिंदू भी नहीं रहेंगे। मेरा परिचय इतना ही, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मतवालों की पीर हूँ, उन वीरों की दुहिता हूँ जो हस हस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। तो साथियों, बारी है अब उस हुंकार की जो नई पीढ़ी की जननी को कह रही है, जागो आर्य पुत्रियों जागो, और देश के कर्णधारों को कह रही है, सावधान भरतवंशियों। दादाजी, मेरी मम्मी ने बताया है कि उन्होंने हमारी पढ़ाई की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना की, इसीलिए हमें भी भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। दादाजी, हम भगवान का आभार हवन करके करते हैं। मेरी मम्मी ने बताया है कि वह भगवान से पापा के व्यापार के लिए और घर के लिए वैभवता मांगती हैं। मेघा जी, जब मैं किसी मुस्लिम परिवार के 5 साल के बच्चे को भी बकायदा नमाज पढ़ते देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुस्लिम परिवारों की ये बहुत अच्छी बात है कि वे अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देते हैं, कुछ पुचकार कर या ये कहकर कि नमाज पढ़कर आ, जब दूध खाना दूंगी। उनकी नींव में अपने बेसिक संस्कार गहरे घुस जाते हैं। मामा जी, मैं समझ गई। एक माँ को अपने बच्चों का भाग्य संवारने के लिए खुद संघर्ष करने के साथ साथ अपने बच्चों को भी संघर्ष करना सिखाना चाहिए। यदि अपने बच्चों के लिए धन, संपदा, ऐश्वर्य,
भक्ति और ज्ञान भगवान से मांग कर ली है तो हमें उन्हें यह बताना चाहिए। इससे आगे चलकर भगवान में उनका विश्वास बना रहेगा। वह अपने दोस्तों के बीच में भगवान की बुराई सुन नहीं सकेंगे और ना ही भगवान का मजाक उड़ाएंगे। वैसे मामा जी, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ। आज का युवा वर्ग धर्म निरपेक्षता का सहारा लेकर अपनी परंपराओं और संस्कृति का अपमान कर रहा है। यह वो बच्चे हैं जिन्हें बचपन से धर्म से विमुख रखा गया। इनके माता पिता ने इनके लिए संघर्ष किए, लेकिन यह नहीं सोचा जब इनकी संघर्ष की उम्र आएगी तब ये क्या करेंगे। इसलिए सड़कों पर निरर्थक नारे लगाकर इसे ही अपने जीवन का संघर्ष मानने लगे हैं। आइए दिखाता हूँ एक ऐसे युवा की आप बीती, जिसके जीवन में जब जब संघर्ष आए तब तब प्रभु श्री कल्कि ने उसे संभाला। अब आपको मिलवाते हैं आज के युग की ऐसी युवा पीढ़ी से, जो अपनी दिनचर्या में कल्कि जी की भक्ति और प्रोजेक्ट कार्यों को लेकर चल रहे हैं। वह अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं और प्रभु श्री कल्कि ने उनके जीवन को वैभवता से भर दिया है। मेरा नाम गौरव गर्ग है। मैं नौकरी ना मिलने की वजह से परेशान था। मैंने तो सोचा जो मैंने पढ़ाई की है क्या वो बेकार जाएगी। तब मेरी मम्मी से मुझे मार्गदर्शन मिला और मैंने यमुना घाट के हवनों का संकल्प लिया। संकल्प लेते ही मुझे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं बहुत खुश था, पर मुझे कंपनी में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं घबरा जाता था, पर कल्कि भगवान ने मुझे समय समय पर स्वप्नानुभव दिए। एक दिन मुझे कल्कि जी ने स्वप्नानुभव दिखाया कि कुछ दैवीय शक्तियां ऑफिस में आई हैं और मुझे पुरस्कार दिया जा रहा है। पैनल मेंबर से बात करने पर मैंने कल्कि बालवाटिका में प्रश्नोत्तरी का प्रोजेक्ट शुरू किया। सच में इससे मुझे आत्मविश्वास और नई ऊर्जा मिली। मुझे एक वर्ष के अंदर प्रमोशन मिला और मुझे थाईलैंड भेजा गया। कहावत है ना कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं बल्कि दूसरे के सुख से दुखी हैं। मुझे आभास हुआ कि मुझे षड्यंत्रों में फंसाया जा रहा था, लेकिन मैं कल्कि जी के उपचार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता चला गया और षड्यंत्रों से निकल गया। देखा आपने, ये युवा पीढ़ी समाज को संदेश देना चाहती है। प्रभु श्री कल्कि पग पग पर स्वप्न अनुभव के द्वारा मार्गदर्शन देते हैं। जीवन में परेशानियां आए भी तो उनसे लड़िए, हिम्मत ना हारिए। मामा जी, भारत की धरती पर जहां प्रभु युग युग में अवतार लेकर आते हैं, क्या हम ऐसी पीढ़ी बना पाएंगे जो उनकी पुकार करके उनको प्रकट कर सके? क्यों नहीं बना पाएंगे। आजकल मनुष्य अपनी छोटी छोटी समस्याओं में इतना उलझा है कि हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में छिपी समाधानों को देखने और समझने का उसे समय नहीं। ऐसे में प्रभु श्री कल्कि की स्वप्न अनुभव लीला से जिन लोगों को अपनी समस्याओं से निकलने के रास्ते मिले हैं, यदि वे आगे आकर समाज को सच्चे रास्ते दिखाएंगे तो जल्दी ही पुकार करने वाली पीढ़ी तैयार हो जाएगी। तो आइए देखते हैं एक ऐसी कल्कि भक्ता की आप बीती, जिन्हें कल्कि जी के स्वप्न अनुभव उपचारों से खुद का घर और वैभवता मिलने पर उन्होंने कल्कि बालवाटिका का संचालन शुरू किया और आज वह यह शिक्षा नन्हे नन्हे बच्चों को दे रही हैं। अब चलते हैं दूसरी आप बीती की ओर, जो नमिता गुप्ता की है, जो नए घर के लिए व्यथित रहती थी। कल्कि जी के संकल्पों व उपचारों से बिना भाग्य के वैभवशाली घर की प्राप्ति हुई। सुनो जी, अब इस दो कमरे वाले घर में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम्हें तो बस यही बात करनी होती है। घर लेना क्या आसान बात है, कितनी जिम्मेदारियां मुझ पर। हे कल्कि भगवान, क्या कभी मेरा अपना घर नहीं होगा? मुझे रास्ता दिखाओ। उसी रात नमिता को स्वप्न अनुभव आता है। माला वह हवन करो, दुखी मत हो, मामा जी से बात करो। नमिता अपनी पत्री पंडित जी को दिखाती है।
पंडित जी बताते हैं कि प्रॉपर्टी का संयोग है, ले सकते हैं, उसमें रह नहीं सकते, बीमारी घर में आ जाएगी। मैं नए घर का विचार अपने मन से निकाल देती हूँ। लेकिन नमिता को अनुभव में आधुनिक घर दिखता है और मृत्यु भी दिखाई देती है। नमिता फिर मामा जी से बात करती है। जय श्री कल्कि मामा जी, कल्कि जी अनुभव में घर दिखाते हैं, साथ ही मृत्यु के अनुभव भी आ रहे हैं। नियमावली के अनुसार कल्कि भगवान का शेयर निकालो। कल्कि भगवान के महामंत्र जय कल्कि जय जगत पते पद्मापति जय रमापते की माला करो। अगर तुम्हें कल्कि भगवान से नया घर चाहिए, उसके कुछ प्रतिशत का संकल्प लो और शेयर निकालो। सुनो, हमें घर मिलने पर उसका शेयर निकालना होगा और कल्कि जी के प्रोजेक्ट में देना होगा। अब ये सब क्या है? शेयर निकालो, घर के लिए भी पैसे दूं और फिर कल्कि जी का भी शेयर निकालूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करो, तुम अपना काम करो जाकर। यही तो हमारी समस्या है कि हम घर का काम भी करते रहें, वही सही है, मगर कुछ चाहिए तो सबको समस्या हो जाती है। हे कल्कि भगवान, आप ही मेरा साथ दीजिए। मकान का कुछ फाइनल हुआ? कुछ नहीं हुआ। अड़चन आ गई है, सारा काम रुक गया है, बयाना वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। देख लो, कल्कि जी का शेयर निकाल लेते हैं। तुम ना वहम मत डालो, अपना काम करो। चलो, जैसी आपकी मर्जी। हे कल्कि भगवान, आप ही मेरा साथ दीजिए, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए। उनके घर की डील बार बार कैंसिल होने लगी। सुनो जी, मेरे कहने पर आप कल्कि जी के शेयर का संकल्प तो लेकर देखो। चलो, संकल्प लेके देखते हैं। हे कल्कि भगवान, हमारे नए घर खरीदने में जो रुकावटें आ रही हैं, बार बार डील कैंसिल हो रही है। हम जितने अमाउंट का नया घर खरीदेंगे, उसका 1% हम आपके प्रोजेक्ट कार्यों के लिए देंगे। हमारे नए मकान देने का रास्ता खोल दीजिए, हमें रास्ता दीजिए, हमें आपका कार्य करना है। नमिता, नमिता, हमारे नए घर की डील फाइनल हो गई। देखा, मैं कहती थी ना, कल्कि जी का शेयर निकालो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ नमिता, तुम सच कह रही थी कि छोटा सा अमाउंट देकर छोटी छोटी रुकावटें आती हैं, वे सब दूर हो जाती हैं। सच में कल्कि भगवान तो बहुत ही चमत्कारी हैं। तो देखा आपने, नियमावली के अनुसार कल्कि जी का शेयर निकालने पर नमिता गुप्ता को नया घर मिला। पूरी जानकारी के लिए पढ़िए पेज नंबर 140। साधना टीवी की घड़ी की सुइयां हमें अपने कार्यक्रम को विराम देने का संकेत दे रही हैं। तो साधना टीवी के दर्शकों से आज हम यहीं पर विदा लेते हैं। सबसे पहले मैं मामा जी को स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद करती हूं। अगले एपिसोड में नई जानकारियां, नए प्रश्न और नए उत्तर के साथ मामा जी के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल्कि जी मेरे दोस्त जय श्री कल्कि में अगले रविवार। तब तक के लिए जय श्री कल्कि। जय श्री कल्कि। जय श्री कल्कि। संस्कारों और परंपराओं को बचाने की इस लड़ाई में जो लड़ रहे हैं, उनके साथ मिलकर लड़ो।
लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो जो लिख बोल और लड़ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ, वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनका मनोबल तो मत गिराओ, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। गुरुजी, क्या हम फिर से भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं? इस बार हमें भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी बनाना होगा, जिसकी चिंगार सारे विश्व में सुनाई देगी। जी गुरुवर। अपने खिलते यौवन से दौड़ता फूल जीवन से
राष्ट्र का अर्चन, हम करे राष्ट्र का अर्चन, हम करे राष्ट्र का आराधन, हम करे राष्ट्र का आराधन, आराधन करे राष्ट्र का आराधन। अपने अतीत को पढ़कर अपना इतिहास उलट कर, अपने अतीत को पढ़कर अपना इतिहास उलट कर, अपना भवितव्य समझ कर हम करे राष्ट्र का चिंतन, हम करे राष्ट्र का चिंतन, हम करे राष्ट्र का आराधन, हम करे राष्ट्र का आराधन, आराधन करे राष्ट्र का आराधन। है याद हमें युग युग की चलती अनेक घटनाएं, जो मां की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाए, हमने अभिषेक किया था धनी का परिश्रम से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, बाजू पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन, अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र रक्षति रक्षतः। हर धर्म की रक्षा करे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। दधीचि ऋषि ने धर्म के लिए रीढ़ की हड्डी दी थी, बंदा बैरागी ने धर्म के लिए तिल तिल तन कटवाया था, राणा प्रताप ने देश और धर्म के लिए घास की रोटी खाई थी, झांसी की रानी ने देश और धर्म की खातिर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। प्रार्थना, धर्म और देश की प्रगति में रुकावट ना बने। हमने पाया कि धर्म के काम में रुकावट डालने से वृंदावन में शाहजी के मंदिर का मुनीम अंधा और कोढ़ी हो गया था। आज भी वृंदावन में शाहजी के मंदिर में मुख्य द्वार पर मुनीम की आदमकद मूर्ति माफी मांगते हुए बनी है कि मुझे माफ कर दो, मैं धर्म के काम में रोड़ा अटकाने से अंधा और कोढ़ी हो गया। मंदिर में घुसते ही मुनीम फर्श पर लेटे हुए चित्रण है, जिस पर लोग पैर रखकर निकलते हैं। जिज्ञासु संपर्क करें शाहजी मंदिर लाइट संचालक सत्तू, फोन नंबर 7078519557। ऐसी ही कलयुगी शक्तियां कल्कि जी के कार्यों में रोड़े अटकाती हैं। देखें अग्रोहा धाम में महालक्ष्मी के बराबर बन रहे श्री कल्कि संग्रहालय में कलयुगी शक्तियों ने बीम कटवा दिए, पर मामा जी और उनके पैनल ने 5 अक्टूबर 2017 को सांसद सुभाष चंद्रा सुपुत्र श्री नंदलाल गोयनका जी से गुहार की। इस पर उन्होंने संग्रहालय को पुनः बनाने का आश्वासन दिया। उसके बाद इंतजार। आम के आम, गुठलियों के दाम। प्रिय दर्शकगण, यदि आपको हमारा 4 से 12 वर्ष तक के बच्चों के खेल खेल में संस्कारोपण कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं तो इसे चालू रखने के लिए जो श्रद्धा से दान देंगे उसमें आपको इनकम टैक्स से 50% की छूट मिलेगी, क्योंकि हमारी संस्था 80 जी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। हुआ ना आम के आम, गुठलियों के दाम। दान से सहयोग, इनकम टैक्स में छूट भी। अकाउंट नंबर ऑफ श्री कल्कि बाल वाटिका फाउंडेशन 3351552980 SBIN 000631 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चांदनी चौक दिल्ली PIN 11006। अधिक जानकारी के लिए भगवान श्री कल्कि का साहित्य पढ़ें।